हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे पार्ट नंबर 4 अगला एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, बाय स्वर्ट ला का एक और एप्लीकेशन जिसकी सहायता से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करेंट लूप। कोई वायर है, मान लीजिए एल लेंथ का कोई वायर है, उसको घुमाया गया है आर रेडियस के, इसका मान लीजिए रेडियस आर है, उसके एक सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दिया गया है और जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें निकालना है। एक तो ये कंडीशन, एक और कंडीशन इसमें है, मान लीजिए कोई सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके किसी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, एक तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। तो दोनों अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है, खासतौर से एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों पूछे जाते हैं। तो पहला केस इसमें हम देख रहे हैं, जब करंट सर्कुलर लूप में फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो वो कितना होगा। चलिए मान लीजिए यहां पे करंट फ्लो हो रहा है और एक हम करंट एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं जिसका लेंथ क्या है, डीएल है, डीएल लेंथ, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, क्लियर। और यहां से इसका डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम द करंट एलिमेंट डीएल आर है, क्लियर। इसकी वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड रिगार्डिंग टू बायो सॉर्ट्स ला, ये तो बायो सेवर्ट के अकॉर्डिंग है रूल। चले यहां देखें, साइन थीटा ये करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि करंट एलिमेंट पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, क्योंकि इतना स्मॉलेस्ट पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, इस पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाला वो टेंजेंट इस पोजीशन वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी हम कह सकते हैं डीएल, डीएल और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और कहीं पर आप मिला दीजिए, चाहे यहाँ पर हम डीएल कंसीडर करें, चाहे यहाँ पे करंट एलिमेंट कंसीडर करें, यानी इस सर्कुलर लूप के सर्कमफ्रेंस पर किसी भी जगह हम कोई करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो वह पोजीशन वेक्टर अर्थात जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर भी साइन थीटा का वैल्यू साइन 90 हम कंसीडर करेंगे। चलें ठीक है, डीवी इक्वल टू म्यू जीरो आई डीएल साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ा देते हैं, साइन 90 मान 1 होता है, साइन 90 मान 1 होता है, क्लियर। ये तो छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये है। तो टोटल टोटल मैग्नेट्यूड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू द सर्कुलर करंट लूप, इस पूरे टोटल करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर कितना होगा, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। इंटीग्रेशन करेंगे B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो जितना पार्ट कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, म्यू जीरो आई अपॉन फोर पाई, बचा क्या, ओनली dl। आप ध्यान से देखें, इसी छोटे से पार्ट dl की वजह से जुड़ करके ये क्या बना, एक लूप बना है। छोटा सा पार्ट देखें, dl 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 कंसीडर करें तो एक पूरा लूप बन गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहने का मतलब क्या आएगा, 2 पाई आर, रेडियस आर है तो एक सरकमफेरेंस बन जाएगा उसका, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर भी है, इनटू डीएल 2 पाई आर, 2 पाई से 10 से 2 बचेगा, आर से एक आर कैंसिल, तो हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन टू आर। ये तो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ये होता है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो आप राइट हैंड पाम रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक यहां पे करंट का डायरेक्शन है, करंट के डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, अंगूठा होगा, करंट का डायरेक्शन अंगूठा, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है उस पॉइंट की तरफ हमारी जो अंगुलियां होंगी, फैली हुई अंगुलियां इंडिकेट होनी चाहिए, ये उस पॉइंट पे अंगुलियां हैं, और करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा वो अंगूठा होना चाहिए। तो हथेली, हथेली के डायरेक्शन में ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी तरफ अंगुलियां इंडिकेट होनी चाहिए, इंडिकेट करनी चाहिए, तो हथेली का जो डायरेक्शन होगा ये उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब ये हुआ, अंगूठा हमारा करंट के डायरेक्शन में है और अंगुलियां जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान दीजिए ये कंसीडर, अंगुलियां अंगूठा एक दूसरे के 90 डिग्री होना चाहिए, वैसे भी आप जान रहे हैं रेडियस और डीएल एक दूसरे क्या है 90 डिग्री, तो उसी सिचुएशन में हम फैलाएंगे अंगूठा करंट के डायरेक्शन में और अंगुलियां उस पॉइंट ओ पर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, तो जो हथेली का डायरेक्शन होगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा अंदर की तरफ, उसे हम क्रॉस से दिखाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस पॉइंट ये होगा। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पर कितना होगा वो, उस पर डायरेक्शन कैसे होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। इसको नोट करेंगे, अगला एप्लीकेशन देखेंगे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अभी हमने देखा था इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, इस बार सेंटर नहीं है बल्कि एक्सिस ऑफ, एक्सिस किधर कंसीडर करेंगे, ये कोई आपका सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, जैसे मान लीजिए चूंकि 3D फिगर आप देखें, जैसे ये आपका प्लेन है, ग्रीन बोर्ड है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे देख रहे हैं, यहां से ये मान लीजिए ये कोई प्लेन है, तो जो सर्कुलर हम लूप कंसीडर करेंगे कुछ इस प्रकार से, यानी इसके प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए ये लूप, एक प्रकार से कहने का मतलब है
देखा है तो आधा पार्ट इसका, आधा पार्ट इसका बाहर की तरफ और आधा पार्ट लूप का उधर की तरफ पीछे की तरफ। तो उसका जो जो एक्सिस पर पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, इसके सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, एक पॉइंट होगा जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये लाइन लाइज इन द प्लेन, यानी इस प्रकार से है कि ये लूप आपका प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर, यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर में है इसका। और जब यहाँ से हम कंसीडर करेंगे लाइन खींचेंगे एक्सिस, तो एक्सिस लाइज इन द प्लेन, बात समझ रहे हैं ना। जब लूप आपका परपेंडिकुलर होगा तो जो एक्सिस हम कंसीडर करेंगे, एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप विल बी लाई इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है। चले ये रेडियस ए है, इधर भी तो वही डिस्टेंस होगा सिमेट्री के गाड़ी, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। मान लीजिए करंट एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं इसके टॉप पे, वी कंसीडर करंट एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ सर्कुलर लूप। ये मान लीजिए हमने सर्कुलर लूप पे करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये इसको हम डीएल सपोज कर रहे हैं सिमेट्री की वजह से, इधर भी हम सपोज कर सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री, उसमें कोई फर्क नहीं। चले तो सबसे पहले जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ, उसको हम यूज करके निकालेंगे। यहां से पॉइंट मिलाएंगे, लाइन मिलाएंगे इस पॉइंट पी पर, तो ड्यू टू सिमेट्री इधर भी से ये चीज हो जाएगी। तो एंगल इसको फाई कंसीडर करेंगे तो ये भी एंगल क्या होगा, फाई ही होगा। ये इस डिस्टेंस को करंट एलिमेंट से पी का जो डिस्टेंस है इसको एक्स सपोज करेंगे, ये तो ए है, और इसके सेंटर ओ से P तक का डिस्टेंस R सपोज कर ले रहे हैं। चले अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ DB यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट एट पॉइंट P, DB इक्वल टू मी जीरो अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहां क्या हो जाएगा, इस करंट एलिमेंट क्योंकि ये पॉइंट है, ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया डीएल एज ए एलिमेंट्री पार्ट बहुत ही पॉइंट है, छोटा सा है, तो ये किसी भी पॉइंट पर जब हम इससे लाइन ये ज्वाइन करा रहे हैं पी तक, तो ये जो पोजिशन वैक्टर है इस करंट एलिमेंट से जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि साइन 90, ठीक है, अपान अपान डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, साइन 90 मान 1 होता है, तो डी बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपान 4 पाई आई डी एल साइन 90 मान 1 अपान एक्स। चले इसको इक्वेशन नंबर हम 1 सपोज कर ले रहे हैं, चले इस प्रकार से डीबी हो गया। तो मान लीजिए यहां पे जो डीबी का वैल्यू आएगा उसका डायरेक्शन की बात अगर हम करें, तो आप जानते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, यानी जो भी आर है ये ये देखिए ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट से जो भी पोजीशन वेक्टर आपका एक्स हम कंसीडर कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस एक्स से परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए ये हम परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये सपोज कर दे रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर भी x ही
सिमेट्री की वजह से, इसकी वजह से जो होगा मैग्नेटिक फील्ड हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ से इसके लिए, तो ये इस प्रकार से होगा। मैग्नेटिक फील्ड ये इसके लिए हम इधर सपोज कर ले रहे हैं डीवी, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इधर हम कहें डीबी। तो एक्सिस एक्सिस पॉइंट है या जीएल पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने पी कंसीडर किया है, ये पॉइंट लाइन आगे बढ़ाएंगे तो आप देखें मैग्नेटिक फील्ड डीबी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, एक तो अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को जब रिजॉल्व करेंगे इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट तो एक्सिस के अलोंग होगा और दूसरा कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, लिखते हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डीवी कैन बी रिजॉल्व इनटू इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डीवी साइन फाइव, क्योंकि एंगल यहां से क्या हो रहा है, फाइव एंगल बन रहा है। आप ध्यान समझे, एक तो इस डायरेक्शन में, एक तो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा, तो इसके लिए भी एक इधर जाएगा, इसके लिए डीबी इसमें जाएगा और इसके लिए डीबी इसमें जाएगा, इसके लिए भी डीबी एक कंपोनेंट इसमें जाएगा, यानी दो, इसका एक कंपोनेंट इसमें, इसका भी एक कंपोनेंट इसमें, इसका एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर नीचे जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। डीबी साइन फाइव, डीबी साइन फाइव अलोंग द, किसके अकॉर्डिंग है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप डीबी कॉस फाइव, डीबी कॉस फाइव परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये वाला जो होगा डीबी कॉस फाइव होगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और अलोंग द एक्सिस डीबी साइन फाइव, डीबी साइन फाइव इसके लिए भी, इसके लिए भी। क्लियर, चले आप ध्यान समझे, क्यों इसको डीबी कॉस फाइव सपोज कर लिया, इसको क्यों डीबी साइन फाइव सपोज कर लिया, इसको आप ध्यान समझेंगे। जैसे देखें ये वाली लाइन्स, देखें ये वाली लाइन जो आपका हमने db cos phi सपोज किया परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस यानी कि एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा, एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, और पोजीशन वेक्टर x से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 90 डिग्री बना रहा, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री, इधर ये वाला 90 डिग्री बना रहा है। आप ध्यान समझे, अगर ये फाई है तो ये कितना होगा, 90 माइनस फाई होगा कि नहीं होगा, ओके क्लियर, चलें ये तो 90 माइनस फाई हो गया। आप ध्यान समझे, आप बताएं ये क्या है, डी बी और एक्स के बीच जो एंगल बन रहा है 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90, अगर ये 90 बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा आप मुझे बताएं, ये वाला एंगल, बोले
ये वाला एंगल होगा फाई, क्या होगा फाई। अब ध्यान देखें, अगर ये 90 माइनस फाई है और ये वाला एंगल फाई है, यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है देखिए, ये यहां से यहां तक डीबी और एक्स का डायरेक्शन देखिए, ये 90 बन रहा है। अगर ये 90 बन रहा है इसका मतलब ये कितना होगा फाई, तो होगा कि ऑलरेडी हमें पता हो गया ये 90 माइनस फाई है, इसका मतलब ये फाई होगा। और फाई ऐड करेंगे तो माइनस फाई फाई कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो कहने का मतलब इस एंगल को हम मान सकते हैं क्या फाई, ये वाला एंगल आपका फाई हो जाएगा, ये बाकी से हमसे नहीं मतलब। अगर ये फाई हुआ तो इधर भी फाई हो जाएगा, जिसके लिए इसीलिए हमने क्या प्रपोज किया डीबी जो आपका ये कंपोनेंट है ये फाई के नजदीक है, फाई के नजदीक वाला कंपोनेंट हम कास एंड हॉरिजॉन्टल जैसा वर्क करता है, और ये वाला आपका कंपोनेंट जो फाई से दूर होता है उसको हम वर्टिकली वर्टिकल कंपोनेंट एज लेते हैं, तो वो डीबी साइन फाई हो जाएगा। फाई से दूर वाला कंपोनेंट डीबी साइन फाई और फाई से नजदीक वाला कंपोनेंट डीबी कॉस फाई, जस्ट लाइक सेम नीचे भी वही काम हो रहा है। ओके चले आप देखेंगे ये वाला डीबी कॉस फाई परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ये कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है कैंसिल, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और डीबी साइन अलोंग एक्स एक्सिस ये क्या हो जाता है एडेड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में डीबी साइन फाई दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये एडेड हो जाएंगे, और डीबी कॉस फाई नीचे भी अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ओके हम लिख सकते हैं डीबी कॉस फाई विच इज द परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड अपोजिट डायरेक्शन सो इट कैन बी कैंसिल, यहां हम लिखेंगे हेंस टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम एडेड जो पार्ट करके निकालेंगे इस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से इसके एक्सिस पर, तो क्या हो जाएगा क्योंकि हम कंसीडर करेंगे डीबी साइन फाई, और डीबी साइन फाई जितने भी कंपोनेंट होंगे उसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट डीबी साइन फाई। चलिए वैल्यू रख देते हैं, डीबी का वैल्यू भी पता है म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर, डीएल इंटीग्रेशन से हम ध्यान दें पहले तो वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, साइन फाई का वैल्यू पता है, साइन फाई का वैल्यू फाई लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर ए अपॉन एक्स, वैल्यू इसमें रखेंगे डीबी, जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे म्यू जीरो कांस्टेंट है कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट साइन यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है डिस्टेंस डीएल क्योंकि यही इंटीग्रेट हम करेंगे वेरिएबल डीएल साइन फाई का मान ए अपॉन एक्स ये भी कांस्टेंट है यानी ए इंटू एक्स तो इंटीग्रेशन किसका करना है इंटीग्रेशन डीएल का करना है ये चीज इसको ऐसा भी लिख सकते हैं थोड़ा सा दूर करके तो साइन फाई का वैल्यू हमने ए अपॉन एक्स रख दिया डीएल और इंटीग्रेशन आप डीएल करेंगे तो आप जानते हैं 2 पाई ए क्योंकि रेडियस ए है और पूरा टोटल वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई ए हो जाएगा चले म्यू जीरो आई ए एक्स
स्क्वायर है और एक एक्स 4 पाई एक्स क्यूब और डीएल 2 पाई ए। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, केवल यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ाएंगे हम, यहाँ तो आप बात समझ चुके होंगे, इसको मिटाते हैं। समझने के लिए इसको लिख सकते हैं केवल साइन फाई बराबर ए अपॉन एक्स। उसके बाद क्या है अब यहाँ पे बी म्यू जीरो आई ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर अपॉन बचा क्या टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब यक्स देखें यहाँ पे इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो यक्स को हम लिख सकते हैं क्या एक्स को लिख सकते हैं, देखें एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। एक्स की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट हटाएंगे तो हाफ हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा हाफ और थ्री, थ्री बाई टू ऐसा हो जाएगा। अरे भाई कोई भी चीज अंडर रूट में है उसका अंडर रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और हाफ पावर इस काम करेंगे तो थ्री ऊपर पहले से ऑलरेडी है मल्टीप्लाई कर जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप ये होगा। इसको आप नोट करेंगे, अगर इसका हम केस सपोज दैट मान लीजिए यदि आर का मान जीरो कर दें, आर का मान इफ इफ आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो बन जाएगा म्यू जीरो आई ए का स्क्वायर, ए तो जीरो हो गया, यहाँ ए स्क्वायर थ्री बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर और थ्री बाई टू, टू टू से कैंसिल, तो बचेगा क्या म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए क्यू, टू ए क्यू स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो टू ए, और आप जानते हैं जब r का मान जीरो हो जाएगा तो फार्मूला बन गया म्यू जीरो आई अपॉन टू ए, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। अब देखिए कंडीशन तो वही हो गया, जब r का मान जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से हो गया, इसका मतलब हम सेंटर की बात कर रहे हैं और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं और वही कंडीशन आ जाएगी। r का मान हम जीरो करेंगे तो म्यू जीरो आई अपॉन टू आई टू ए, तो अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये ऐसा टेक्निक है यहाँ से हम सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं और उसके सेंटर पर भी निकाल सकते हैं, दोनों कंडीशन हम इसी से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब अपने आप में इम्पोर्टेंट और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको आप नोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।